है कमला देवी। हम हैं रूप बहेड़ी के तरफ से रूपपुर है। हमारी तकलीफ ऐसी भाई कि हमारे एक दिन हम बैठे बैठे शाम के लिए देख रहे हैं तो हमारी झंझनौटी मचती जी हाथ में। जब झंझनौटी मचती तो ऐसे हम ले गए हाथ तो हमारे एक गांठ ही थी बड़ी। जब वो गांठ हमने देखी तो हमारा वो लड़का जो वो पुलिस में तो लड़का से हमने फोन करके कही तो वो बोलो बाजपुर दिखा लो। तो हम बाजपुर गए तो उनने जाको ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करके वो गांठ निकाल के उनने रिपोर्ट भेजी दिल्ली। तो दिल्ली से आई 21वें दिन तो उनने कही जो कैंसर की बीमारी है आप ऑपरेशन करा लो चाहे हीन करा लो चाहे कहीं करा लो। तो हमारा लड़का बोलो कि ना राममूर्ति राममूर्ति में कराएंगे और हमें सिकाई भी जाएगी तो हीने ऑपरेशन कराओ और हीने सिकाई भाई फुल इलाज यहीं भाव हमारा और सब कुछ सही हो चलवाओ सब कुछ सही भाव हमारा। ये मरीज कमला देवी सन 2011 में हमारे पास आई थी और हमारे पास रिपोर्ट लेके आई थी। इधर बगल में जिन्होंने जो गांठ बताई है उसमें कैंसर के लक्षण थे। तो सन 2011 में जब डायग्नोस आई स्तन के कैंसर के तो हमने इनसे बातचीत करी, इलाज के बारे में समझाया कि इसमें ऑपरेशन भी होना है, रेडियोथेरेपी भी होनी है, कीमोथेरेपी भी होनी है। तो सबसे अच्छी बात थी कि इनके परिवार ने डिसीजन लिया हमारे यहाँ इलाज कराने का। तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर साहब थे सर्जन थे उन्होंने इनका ऑपरेशन किया, उसके बाद हमने इनकी रेडियोथेरेपी करी, कीमोथेरेपी करी। थोड़ी पैसे से दिक्कत थी तो इन्होंने RSBWI कार्ड चलता था उस समय सरकार की तरफ से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड, तो उस कार्ड की मदद से इनका इलाज संभव हो पाया कि हम रेडियोथेरेपी कर पाए, कीमोथेरेपी कर पाए। लगातार ये हमारे पिछले 10 साल से फॉलोअप में है जिसमें हम बीच बीच में एक्सरे भी कराया है हमने इनका, अल्ट्रासाउंड भी कराया है, बीच में पेट स्कैन भी कराया है, सारी रिपोर्ट्स इनकी हमेशा नॉर्मल आई हैं। और आखिरी जांचें जो हमने अभी इनकी कराई हैं अक्टूबर 2020 4-5 महीने पहले जिसमें अल्ट्रासाउंड पेट का कराया वो नॉर्मल है, सीने का एक्सरे नॉर्मल है, ब्लड टेस्ट हड्डियों के लिए कराया जाता है वो भी नॉर्मल है, मैमोग्राफी कराई वो भी नॉर्मल है। कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, कैंसर के कोई लक्षण नहीं है, देखने से भी नहीं है, एग्जामिनेशन से भी नहीं है और इनके टेस्ट भी सारे नॉर्मल हैं। हम तो जो हमारे जो सुनते हैं तो हम तो कहते हैं हमारे राम मूर्ति में इलाज बढ़िया हो, हमें पूरा विश्वास है समय से सही कराओ तो ही इलाज पक्को है हम कहते हैं। अब इन्होंने एक इतनी अच्छी बात बोली समय से, ये हर व्यक्ति नहीं आता, इन्होंने इतनी अच्छी बात बोली कि इन्होंने समय से इलाज कराया अपने कैंसर का। तो आज देखिए 10 साल बाद भी ये पूर्णतः स्वस्थ कैंसर का। तो सबसे इम्पोर्टेंट है मरीज या उनके घरवाले समझे कि समय से इलाज कराएं। हमारे भारतवर्ष में महिलाओं के बीमारी के लिए ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि उनको कहा जाता है, सोचा जाता है घर में हैं, काम करेंगी, वो करेंगी, तो एक तो महिलाएं बताती नहीं हैं थोड़ा शर्म से कुछ कारण कि भाई हमें ये दिक्कत है, और दूसरा घर वाले भी उतना सपोर्ट नहीं करते। इनके परिवार में इतनी अच्छी बात है कि इन्होंने जब भी बताया इनके परिवार वालों ने सपोर्ट किया और तुरंत अपने लाके इलाज कराया। आज भी सेकंड जनरेशन है, इनके नाती हैं वो साथ आए हैं इनके इलाज के लिए, कितनी बड़ी बात है, अपनी नानी को लेके आए हैं। तो घर का परिवार जब साथ होता है तो मरीज़ का इलाज तो भी साथ कराता है, बाद में दिखाने के लिए भी साथ आता है। तो आज भी 10 साल बाद किसी ने इनके साथ नहीं छोड़ा, आप प्रूफ देख रहे हैं कि इनके नाती आए हैं और सपोर्ट कर रहे हैं अपनी नानी का कि भाई जो भी दिक्कत है मैं हूँ, ये बहुत ज़रूरी है परिवार में।